मेरा नाम राजबाला मीणा है। मैं प्रिंसिपल के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकड़ों में कार्यरत हूँ, ग्राम पंचायत माकड़ और जिला झुंझुनू में। हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी करवाते हैं, जिनमें कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ते हैं, बरसात के मौसम में उनको पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी सार संभाल के लिए भी। इसके लिए हमने विद्यालय में भी पेड़ पौधे लगाए हैं और खेल मैदान है वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगवाए गए हैं बच्चों के द्वारा। इसके अलावा इनको बच्चों को अपनी हाइजीन के लिए भी प्रेरित करते हैं, व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ जो उनका आसपास का परिवेश है उसके लिए प्रेरित करते हैं और बच्चों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के लिए और जहाँ भी वो बैठते हैं वो साफ़ सुथरी जगह रखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं और उनके घर के आसपास भी। इसके अलावा हम समुदाय से भी जुड़कर उनको जो भी स्कूल की गतिविधियां होती हैं उनके माध्यम से उनको साफ़ सफाई के लिए, ग्रीनरी के लिए और पानी बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। पानी बचाने के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक टैंक भी बनाया हुआ है जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा होता है और उससे पौधों में प्रयोग किया जाता है उस पानी का।
सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह डैला है, ग्राम पंचायत माकड़ो के वर्तमान सरपंच पद पर मैं कार्यरत हूँ और पंचायत परिसीमन के बाद हमारी पंचायत छोटी कर दी, जिसके अंदर एक नया गाँव वही पुरानी छोड़ा गया है। दोनों गांव की छोटी पंचायत होने के बाद में कार्य थोड़ा छोटा हो गया है। साफ सफाई से संबंधित यदि गांव के बारे में बात करें तो माकड़ो ग्राम पंचायत के दोनों ही गांव डालू जमीन पर बसे हुए हैं, मतलब हाइट ज़्यादा है और कचरे गलियों में कोई कीचड़ संबंधित कोई समस्या है नहीं। समय समय पर नालियों का हम साफ सफाई करवाते रहते हैं। खेल ग्राउंड भी गांव की आबादी के बीच में है, उसकी भी नियमित समय पर साफ सफाई करवाते हैं। बच्चे सुबह शाम खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जिम भी है, खेल ग्राउंड के अंदर ही जिम बना रखी है और गांव में स्वास्थ्य केंद्र उसमें भी अच्छी सेवाएं हैं फिलहाल। और एक पशु स्वास्थ्य केंद्र भी है, दो स्कूल हैं, एक सीनियर सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी स्कूल है। सभी में लगभग स्टाफ की पूर्ति है और शैक्षणिक कार्य बढ़िया तरीके से हो रहा है। और पानी की निकासी संबंधित कोई बात है तो जैसे गांव का जो भी डाड़ू है ये सारा पानी गांव की गलियों से होते हुए कुछ तो जोड़ों में चला जाता है, कुछ खेतों में चला जाता है जो कि कृषि के लिए भी उपयोगी है। तो जोड़ में भी इकट्ठा होता है, जो आवारा पशुओं में जो पानी पीते हैं, लगभग पूरे साल जोड़ में पानी रहता है। फिलहाल अच्छी व्यवस्था ग्राम पंचायत में कि पानी की यहाँ PSD के द्वारा पाइप स्कीम है, हर जल नल योजना है और लगभग ये 1990 से हमारे गांव में पानी के कनेक्शन है और फिलहाल कुल मिला के ठीक ठाक पानी व्यवस्था। थोड़ी सी कमी है, उस कमी के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा 2 3-phase bore और स्वीकृत हुए हैं, वो बनने के बाद में गर्मी सहित पानी कमी नहीं रहेगी। पर्यावरण भी साफ सुथरा है, अच्छी हरियाली है, पेड़ पौधे भी खूब हैं और एक ही गांव में हमारे 7 जोड़ हैं, इसमें पीपल के पेड़ भी खूब हैं, बड़के भी हैं, अच्छे हरियाली।
मेरा नाम रघुवीर सिंह है, यहाँ साइड के गांव गांव को पानी मिलता है। माकड़ो गांव 180,000 लीटर जल ही जीवन है, जल ही जल बचाने से जल जीवन होता है।